हेलो गाइस, और मैं लौट आई हूँ फिर से आपके सामने बॉलीवुड की लेटेस्ट और चटपटी खबरों के साथ में। और मैं यानी कि श्वेता डोभाल स्वागत करती हूँ आपका अपने प्रोग्राम सोशल योलो में। इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं मज़ेदार फनी वीडियो से, जो कि है हमारी प्रिया प्रकाश वॉरियर की, यानी कि हमारी विंग गर्ल। जी हाँ, आपको याद होगा ना कि प्रिया प्रकाश वॉरियर ने कैसे आंख मारकर सोशल मीडिया पर रातों रात अपनी एक छवि छोड़ दी थी। आज भी लोग उस वीडियो के कायल हैं। वहीं अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रही है। जिसने भी इस वीडियो को एडिट किया है भाई, उसको तो सल्यूट करना बनता ही है। इस वीडियो में प्रिया ने इस बार अपनी आंखों को निशाना साधा है सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। जी हाँ, इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो प्रिया प्रकाश वॉरियर अपने उसी अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ विंक कर रही हैं, यानी कि आंख मार रही हैं। वहीं हमारे डोनाल्ड ट्रंप इस पर ब्लश करते हुए शर्माते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म सिंघम तो आपको याद ही होगी, और वहीं जब हमारे रणवीर सिंह ने उस रोल को अदा किया था तो लोगों ने वाह वाह करते हुए वो थके नहीं थे। लेकिन अब रोहित शेट्टी अपना नया पार्ट लेकर यानी कि सूर्यवंशी लेकर जल्द ही दस्तक देने वाले हैं। इस फिल्म का बेहतरीन तरीके से प्रमोशन किया है हमारे रणवीर सिंह ने। रणवीर सिंह ने एक मजेदार वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है जिसमें वो कई बच्चों के साथ में नजर आ रहे हैं। मजे की बात ये रही कि इस वीडियो में हमें अजय देवगन की झलक भी देखने को मिली, जो बच्चों को बताते हैं कि भाई इस बार मैं नहीं हूँ इस फिल्म में, बल्कि सूर्यवंशी के किरदार में है हमारे फिटनेस फ्रीकर यानी कि अक्षय कुमार। वहीं बच्चे भाग कर जाते हैं हमारे सूर्यवंशी यानी कि अक्षय कुमार के पास और उन्हें थमाते हैं एक प्ले कार्ड। अब प्ले कार्ड के ऊपर लिखा होता है 24 मार्च, यानी कि ये है सूर्यवंशी की रिलीजिंग डेट। अब भाई जिस तरह से ये प्रमोशन बड़ा ही मजेदार देखने को लग रहा है, तो अब देखना होगा कि सच में फिल्म भी इतनी मजेदार होगी या नहीं। आप सब सोच रहे होंगे ना कि हमारी लोलो आजकल है कहाँ, लेकिन मैं बता दूं, हमारी लोलो यानी कि हमारी करिश्मा कपूर आपको जल्द ही ओल्ड बालाजी की वेब सीरीज मेंटल हुड में दिखाई देंगी। जी हाँ, और उनका रोल भी है इतना जबरदस्त कि मैं आपको क्या ही कहूँ। अगर वो इस वेब सीरीज से वापसी कर भी रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि करिश्मा कपूर को काफी वाहवाही मिलेंगी ही, क्योंकि वो निभाने जा रही हैं इस वेब सीरीज में एक माँ का किरदार। करिश्मा कपूर के साथ साथ आपको दिखेंगी कई और अलग अभिनेत्रियां भी जो इस वेब सीरीज में निभा रही हैं अलग अलग माँ का किरदार। इस पूरी ही वेब सीरीज में आप देखेंगे कैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना सेक्रीफाइस करती है, साथ ही साथ जब उसकी सुबह होती है और रात तो वो कैसे अपने बच्चों के पीछे एक रोलर कोस्टर राइड पर चढ़ी हुई होती है। जब आप इस वेब सीरीज को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप शायद अपनी माँ को मिस भी करेंगे और कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू करना भी सीख जाएंगे। सबसे हॉट मुद्दे को लेकर बॉलीवुड अब तेजी से अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। जहां अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना की शुभ मंगल ज्यादा सावधान आई थी, जो एक समलैंगिकता यानी कि गे पर आधारित थी, वहीं अब शेर कोरमा का एक ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। आपको बता दें कि शेर कोरमा भी समलैंगिकता जैसे मुद्दे पर ही आधारित है। इस फिल्म में आपको दिव्या दत्ता दिखेंगी और साथ में उनके स्वरा भास्कर दिखेंगी। इनके एक खूबसूरत रिश्ते को प्यार का नाम दिया गया है, जहां पर इनकी जो विलन बनकर आती हैं वो है हमारी शबाना आजमी। कैसे ये दोनों अपने प्यार के लिए मंजूरी मांगती हैं, यही इस पूरी फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म का ट्रेलर कल लॉन्च हो चुका है, जो मुझे देखने में तो बहुत अच्छा लगा। और समाज के लिए ऐसी मूवी बनने का मतलब है उन्हें जागरूक करना। डू यू लव मी? ओह या। जी हाँ, इसी गाने के साथ हमारी दिशा पाटनी आपको बागी 3 में नजर आएंगी। पहले तो मैं वैसे ही बहुत इंप्रेस हूँ उनकी मलंग में बॉडी देखकर, जिसमें उनके मैंने कर्व्स देखे और मुझे लगा कि शायद मुझे भी जिम चले जाना चाहिए। लेकिन अब इस गाने में जो उन्होंने हॉटनेस बढ़ाई है, शायद ही सोशल मीडिया पर ये तापमान एक दो दिन में तो कम होने वाला नहीं है। तो इस फिल्म का यानी कि बागी 3 में आपको दिशा पटानी एक आइटम नंबर करती हुई नजर आएंगी, जिसका नाम है डू यू लव मी। जी हाँ, कल ये गाना YouTube पर आउट होगा। लेकिन मजेदार बात ये रही कि अपनी गर्लफ्रेंड के गाने को खुद टाइगर श्रॉफ ने अपने Instagram पर पोस्ट किया है। देखिए कितना ज्यादा प्यार है इन दोनों के बीच में। सोशल योलो एपिसोड 4 में आज के लिए बस इतना ही। अपनी खास दोस्त श्वेता को दीजिए इजाजत। फिर मिलूंगी आपके साथ बॉलीवुड की तमाम चटपटी खबरों के साथ में। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, पत्रिका.com के सभी हैंडल्स को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।